सो हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में यार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है भाई अपने चैनल की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जो कि है कॉलेज रिव्यू ऑफ LPU यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो IIT के बाद यार अगर कोई कॉलेज आता है तो वो है LPU। मजाक था, आई नो गंदा मजाक था, बट हाँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि पॉपुलैरिटी के मामले में यार बच्चे कहते हैं या तो IIT जाएंगे या NIT जाएंगे, और जब बात आती है प्राइवेट कॉलेज की तो नाम सबसे पहले आता है LPU। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यार तुमने इसके एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, ठीक है, हर जगह इसके तुम्हें एडवर्टीजमेंट दिखेंगे, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे फिर वो शहर में होर्डिंग हो या यूट्यूब पर हो, ठीक है। तो LPU एक बहुत पॉपुलर कॉलेज है। अब ये सिर्फ इंटरनेट में पॉपुलर है या असलियत में भी पॉपुलर है, क्या इसमें यहाँ पे फीस है, क्या प्लेसमेंट है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, सब कुछ ऑनेस्टली इस वीडियो में हम आप लोग आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि LPU एक ऐसा कॉलेज है जिसमें बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं जिनको यार अच्छा कॉलेज नहीं मिलता और CS ही चाहिए होती है, और यार मेरे जानने में भी बहुत सारे लोगों हैं जिन्होंने LPU में एडमिशन लिया था। और यार काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मतलब सिर्फ BTech ही नहीं, बहुत सारे और कोर्सेज होते हैं जहाँ पे लोग एडमिशन लेते हैं LPU में। तो पूरी बात करेंगे LPU की, ठीक है, A to Z, फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे LPU कैसा कॉलेज है। तो अपनी बात करता हूँ यार, मेरा नाम है रचित त्रिपाठी, मैं हूँ एक BTech थर्ड ईयर स्टूडेंट एट पन्ना यूनिवर्सिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये है LPU की बिल्डिंग्स, ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो बिल्डिंग्स के मामले में तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स यहाँ हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस की जनरली होती हैं यार, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं। तो एक बढ़िया सी बिल्डिंग तुम्हें देखने को मिलेगी LPU की। और यार एक्रेडिटेशन की बात करें तो भाई सारे एक्रेडिटेशन हैं इनके पास, ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2005 में ये एस्टैब्लिश हो गया था, तो अच्छा खासा पुराना कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज रहने वाला है हमारा ये। और 600 एकड़ भाई, प्राइवेट कॉलेजेस के जितने भी अभी तक रिव्यू बना रहा था, कोई 20 एकड़ कोई 25 एकड़ का था, ये 600 एकड़ का है। ओ माई गॉड, ऐसा इसलिए भी है यार क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी है पूरी, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बट आज तो BTech के बारे में बात करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी कैसी है, तो अगर बाय एयर आ रहे हो तो अमृतसर एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें देखने को मिलेगा, और यार फागवाड़ा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और फागवाड़ा बस स्टॉप से 9.3 किलोमीटर। तो यार ये फागवाड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे बता देना कमेंट्स में। और यार एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एडमिशन की हम लोग बात करें तो यार तुम्हें एडमिशन अगर यहाँ लेना है तो एलिजिबिलिटी है 60% तुम्हारी होनी चाहिए 10th और 12th में, और यार LPU नेस्ट करके पेपर होता है जिसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। स्कॉलरशिप वगैरह सब मिलती है यार यहाँ पे, और कम रैंक में भी स्कॉलरशिप देखने को मिलेंगी तुम्हें, ठीक है, बाकी फॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिख जाएंगे। अब बात करें यार स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड इन BTech CSE, तो BTech CSE की बात हो रही है, तो बहुत सारी यहाँ पे CSE में ब्रांचेस तुम्हें देखने को मिलेंगी, हालांकि सब ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जो मिले यार ले लेना, ठीक है, बढ़िया सी। तो BTech यार हम नॉर्मल CSE लेंगे सबसे पहले, इसको हम रखेंगे अपनी प्रायोरिटी में। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यार पैकेजेस की बात हो रखी है, 3 करोड़ पैकेज भी लग रखे हैं, हालांकि यार इस 3 करोड़ की कुछ रियलिटी और है। ये ऐसा होता है कि यार मान लो कोई बच्चे वहां से पास आउट हुआ, बाद में वो कंपनी स्विच करते हैं तो वो 3 करोड़ हो जाता है। वैसे यार 64 लाख का इनका पैकेज है जो हाईएस्ट अभी तक गया है, जो तुमने यार एडवर्टीजमेंट में भी यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख है, और डोमेस्टिक पैकेज है, ये बहुत अच्छी बात है। एवरेज पैकेज 10 लाख का, यार 10 लाख का एवरेज पैकेज है, बट अगर यार ये एवरेज पैकेज 6 लाख भी होता है ना तुम्हारा तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसकी फीस देखी और कंपेयर करी उन प्राइवेट कॉलेजेस से जिनकी अभी तक मैं वीडियो बना रहा था, तो वहाँ से 5-6 लाख रुपए सस्ते में यहाँ BTech हो रहा है, पॉपुलर कॉलेज है, और प्लेसमेंट यार ऑलमोस्ट सिमिलर ही हमें देखने को मिलेगा। सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो गूगल आ रही है भैया, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस कॉलेज के बारे में। ये तुम्हें यार किसी Tier 2 या 3 गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे ना तो वहाँ पे तुम्हारा पैकेज तो लग जाएगा, इतने का ही लग जाएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी कभी तुम्हें मिल भी नहीं पाएगी इन कैंपस, तो ये एटलीस्ट तुम्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। हालांकि यहाँ से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में अगर तुम्हें लेना है तो top 10% बच्चों में होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड आएगा वो अलग अलग टाइप का आने वाला है, ठीक है, तो तुम्हें अपना क्राउड बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करना है और पढ़ने आना है, तो भाई पूरी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें मिल रही है यहाँ पे उनको यूज़ करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है, ये तुम यहाँ के प्लेसमेंट स्टैट्स देख के अंदाजा लगा सकते हो, और पॉपुलर कॉलेज है ही तो यार कंपनीज आई जाएंगी, ठीक है। अब बात करें यार LPU प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं इनकी वेबसाइट से, और यार मैकेनिकल में भी यार अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, तो L&T वगैरह आ रखी हैं, और बाकी अमेजोन ने ऑफर किया है, गूगल ने ऑफर किया है यार पैकेज, तो पैकेज के मामले में कोई कमी रहने वाली, अनप्लेस तो नहीं रहोगे यार तुम लोग, क्योंकि अच्छे खासे पैकेज हैं और मेहनत कर लोगे तो अच्छा पैकेज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और स्कॉलरशिप भी है तो उसकी भी अभी आगे चल के बात करेंगे। फैसिलिटीज एंड फेस्ट की बात करें तो यार प्राइवेट कॉलेज
है तो फैसिलिटी और फेस तो बहुत अच्छे होंगे ही होंगे जो कि डेफिनेटली है। तो यार मैंने सारी फोटोज यहाँ पे लगा दी है तुम लोगों के लिए। तो सुपर बाउल, क्लू लॉन्च, रोलर स्केटिंग, ऑल टाइप्स ऑफ लैब अवेलेबल, वाईफाई फैसिलिटी, मतलब जितना है ना, जितना तुम लोग सोच सकते हो एक कॉलेज में जो जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सभी तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तो सब चीज़ें। और यहाँ पे यार बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, देखो अमन गुप्ता सर हैं, और यार मैं एक जगह देख रहा था मोदी जी भी आ रखे थे, ठीक है, एलपी में मोदी जी लिटरली, ठीक है। तो ये तुम लोग देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे लोग आते रहते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो रीसेंट इवेंट्स के बारे में भी तुम्हें यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी तारीफ हो गई है इस कॉलेज की। अब बात कर लेते हैं फीस की, ठीक है। तो फीस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्राम फी पर सेमेस्टर प्रोग्राम फी जो है वो है 1.4 लाख। अब इस पे कटेंगी तुम्हारी स्कॉलरशिप, डिपेंड्स ऑन किस कैटेगरी में तुम आ रहे हो। कैटेगरी वन की बात करें, ठीक है, कैटेगरी वन है जिसकी 95% से ऊपर है, ठीक है, ये देख सकते हो, या 12 में 95% से ऊपर है। तो यार अगर तुम लोग यहाँ एडमिशन लेते हो तो सीधे सीधे 42,000 तुम्हारे गायब फीस, ठीक है, और तुम्हें फीस पड़ेगी 98,000 पर सेमेस्टर, यानी कि एक साल की अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख और चार साल की अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपये। वहीं अगर तुम्हारी 80 सीधे कैटेगरी 3 पे आ जाते हैं, 80 से 90 के बीच में, तो वो तुम्हारी यार 28,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रही होगी, और ये होगी तुम्हारी 1.12 लाख पर सेमेस्टर। और यार इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख पर ईयर, जो कि 4 साल का हो जाएगा 10 लाख। तो 8 लाख से 10 लाख रुपये तुम्हारी फीस यहाँ पे होने वाली है। अब ये ट्यूशन फीस है, इस पर हॉस्टल इंक्लूड बिल्कुल मत करना, हॉस्टल की अलग है, वो भी तुम्हें अपने हिसाब से मिलने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही हॉस्टल में सबको रुकना है, जिसको जिस टाइप का चाहिए वैसा यहाँ पे तुम्हें मिल रहा होगा। बाकी स्कॉलरशिप किस किस बेसिस पे मिलती है तो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो। अब बात करें हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी की, तो हॉस्टल यार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्टल ये है इंडिया के। तो यार मेरा गला यहाँ पे एकदम फट चुका है, ठीक है, बोलते बोलते। तो यार इस बात पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़ की बात करें तो यार काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप के हॉस्टल मिलेंगे, ठीक है, अपार्टमेंट स्टाइलिंग हाउसिंग है, मेस फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, इन हाउस मेंटर सपोर्ट, इन हाउस लॉन्ड्री, इंडोर स्टेडियम, 5G एनेबल कैंपस एंड मेनी, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी तुम्हें देखने को मिलने वाली है, 1, 2, 3 आर जितने भी शेयरिंग होते हैं सारे शेयरिंग मिल जाएंगे। और यार हॉस्टल फीस की बात करें तो 70,000 से 2 लाख रुपए पर ईयर तुम्हें देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हॉस्टल यू आर लिविंग, ठीक है। अब 70,000 कब हो गया, जब तुम ट्रिपल शेयरिंग में ले रहे होगे बिना एसी वाला, और सबसे महंगा तब होगा जब तुम सिंगल रूम भी लोगे, एसी भी लोगे, तो इस टाइप से यार तुम्हारा रहता है। वो सब चीज़ तुम लोग देख लेना वहाँ पे, जो भी तुम्हें अपने हिसाब से बेस्ट लगेगा। और मेस फैसिलिटी भी तुम्हें देखने को मिलेगी, वो भी अराउंड 40-50,000 रुपये पर ईयर तुम्हारी यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, किसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार मेरे वहाँ बहुत बच्चों ने लिया था, और यार बच्चों का ठीक रहा जिन लोगों ने लिया था। वो बच्चे कौन थे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, जिनकी रैंक आ जाती है यार अप्रॉक्सीमेटली 1-2 लाख, ठीक है, और ड्रॉप लेने का बिल्कुल मन नहीं है, फीस अफोर्ड कर सकते हैं, और चाहिए ही सीएस, ठीक है। कई लोगों को होता है सीएस ही चाहिए, और सीएस नहीं मिल पाती भाई कम रैंक में, ठीक है। इवन अगर तुम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लोगे जो टायर 2 और टायर 3 होते हैं, वहाँ भी सीएस के लिए 50,000 रैंक लानी पड़ती है। तो अगर 1-2 लाख रैंक है, ड्रॉप लेना चाह रहे हो, क्यों ड्रॉप लोगे तो एक साल तुम्हारा जॉब का वेस्ट होगा, साथ ही साथ यार तुम्हारी कोचिंग जाएगी जहाँ पे तुम लोग एडमिशन लोगे, 1-2 लाख रुपये तुम्हारे वहाँ भी लगेंगे। और यार उसके बाद भी कई लोग प्राइवेट कॉलेज में ही लेते हैं, तो कई लोगों को होता है यार कि पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, मेहनत कर लेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है। उस केस में मैं तुम्हें कहूंगा यहाँ चुपचाप एडमिशन ले लो, तुम्हें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में यार तुम्हें बढ़िया कॉलेज देखने को मिलेगा। बाकी यही सब था इस कॉलेज के बारे में, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी हम वीडियो लेके आएंगे। यहाँ पे MBA कोर्सेज भी होते हैं, तो BTech के बाद तुम MBA वगैरह भी देख सकते हो, उस पर भी यार बहुत जल्द एक वीडियो आ जाएगी। और यार एडमिशन के लिए तुम्हें सब लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें दे दूंगा। बाकी यार सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, कोई डाउट है तो यार यहाँ पे मुझे DM वगैरह कर सकते हो, फॉलो वगैरह कर सकते हो। आई होप यार तुम्हें आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर और कुछ चाहिए तुम्हें इस वीडियो में या इस कॉलेज के बारे में तो कमेंट्स में डाल दो यार, क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।